ले लेता हूँ। कॉपियर पेपर का पेयर करना है, कैसे करोगे? तो पहले कैटेगरी कॉपियर पेपर। सर कैन यू जस्ट टेक इट लिटिल स्लो सो दैट आई कैन कैप्चर? यस यस यस। जनरली हम लोग कॉपियर पेपर ले रहे हैं तो कैटेगरी हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो जो भी है मुझे इसके बारे में जो आइडिया है हम लोग वो यहाँ पे डाल देंगे और इसको सर्च कर देंगे, सर्च कर देंगे। अभी यहाँ पे मुझे कैटेगरी सजेस्ट कर दिया क्या है। अभी आपका प्रोडक्ट आपको देखना है आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मान लीजिए मुझे यदि लग रहा है कि प्लेन कॉपियर पेपर, ये मेरा प्रोडक्ट पेपर परफेक्ट है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर दिया। कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए, कोई ब्रांड चाहिए, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे फिल्टर लगाएंगे? यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का चाहिए तो यहाँ पे, जैसे सर के पास है बोल रहा है कि साइज A4 चाहिए बोल रहे थे, तो साइज में जाओ और A4 का फिल्टर लगा दो। A4 में टोटल 81 प्रोडक्ट अवेलेबल है, A4 का फिल्टर लगा दिया, A4 आ गया, टोटल 81 प्रोडक्ट आपको दिखना चालू हो गया। और कोई फिल्टर चाहिए तो आप लगा सकते हो, जैसे नंबर ऑफ सीट इन रिम 500 ही है, अलग नहीं है। BIS मार्क है क्या? एबिलिटी ऑफ टेस्ट सर्टिफिकेट है क्या? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह, ऐसे आपको कोई भी फिल्टर चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट कम हो जाएगा, है ना। यदि आपको लग रहा है GSM, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट है 70 GSM का, तो मैं 70 GSM का फिल्टर लगा दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 23 प्रोडक्ट सिर्फ बच गए। अब इसमें से आपको प्रोडक्ट कौन सा पेयर करना है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है तो आप वो पेयर कर सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि मुझे JK का बेचना है, तो अभी रेट कितना है इसका? 240। आपको बेचना कितने में, बोलिए सर, क्या रेट में आपको बेचना है पेपर? रेट बताओ। 250। तो हम लोग इसका देखते हैं, ये मेरा 250 में बैठता है क्या? क्वांटिटी कितना? 100 मिनिमम, कम से कम ना मिनिमम 10 से। हम लोग देखेंगे ये पहले 240 में, 250 में मुझे ये पेपर में बेच सकता हूँ क्या, मान लो महाराष्ट्र के लिए। तो पहला तो ये OEM वेरीफाइड है, सेलर है, पर कैटलॉग नहीं है, तो हम शायद इसको पेयर कर सकते हैं। ये व्यू सेलर डिटेल से पता चल जाएगा, सब जगह पे देखो OEM वेरीफाइड ही रीसेलर आ रहा है हर जगह पे। तो इस प्रोडक्ट को पेयर किया तो मुझे लग रहा है OEM अप्रूवल के लिए चला जाएगा, क्योंकि हर जगह OEM वेरीफाइड है। फिर भी हम लोग इसको पेयर करके देखते हैं, रेट देखते हैं 240 के ऊपर। तो ये मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, 250 ये भी मेरा नहीं है, ये मेरा है, पर ये यूपी के लिए है, तो मेरा नहीं है, महाराष्ट्र के लिए मैं बेचने वाला हूँ, और 300 है और कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं ये फास्ट ले रहा हूँ थोड़ा खाली चेक करने के लिए, ये चंडीगढ़ है तो ये भी मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। जो रेट ये 250 वाला है इसको देखना पड़ेगा, पर ये MP में बेच रहा है, 270, 260, 250, हाँ ये भी है, पर आसाम में बेच रहा है। 250 गुजरात में बेच रहा है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है। देखो जो रेट ज्यादा है वो तो उसका तो देखना ही नहीं है, ये रेट लोग रेट ज्यादा है तो इसका स्टेट मुझे देखना ही नहीं है। हाँ ये एक है 240.9 पर ये गुजरात के लिए, 250 MP के लिए है। कितने लोगों ने पेयर करके रखा है, खत्म नहीं हो रहा। गुजरात 274, ले लंबा लिस्ट है, कितने लोग हैं, इतना लोगों ने पेयर किया। चलो हम 250 में फिलहाल डाल देते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेने का। मुझे इसको 250 में शायद में बेच सकता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेल दिस आइटम। यहाँ पे सेल दिस आइटम आता है, ओके। ठीक है, रेट 50 से 120 के, हमको 250 डालना है, 250 कहाँ बेचना है, महाराष्ट्र, और मुझे दमन एंड दीव में बेचना है, दो स्टेट में, गोवा, तीन स्टेट में, तो डाल दिया।
मिनिमम क्वांटिटी, स्टॉक कितना है आपका, स्टॉक मेरे पास है मान लीजिए 120, मिनिमम क्वांटिटी कितना बेचना है मुझे 100, लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेस 1 से 10 के बीच 10, और प्रोसीड, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, क्लोज, एक्सेप्ट और पब्लिश। क्या बोल रहा है, ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड विल बी पब्लिश्ड, मतलब ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, विल बी पब्लिश्ड मतलब पब्लिश्ड हो जाएगा, यदि ओएम अप्रूवल आता तो फिर ये प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं मिलता। अब ये वाला प्रोडक्ट हमारा अप्रूवल के लिए हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, ओएम अप्रूवल के लिए यहां दिखा रहा है, पर ये वाला प्रोडक्ट हमारा अप्रूवल हो जाएगा क्योंकि विल बी पब्लिश्ड बोला है। विनीता मैडम बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि ओईएम जो भी रहेगा वो अपने कॉम्पिटिटर को इजीली अप्रूव करेगा सर? हाँ नहीं सर? वो तो उसकी मर्जी है ना मैडम, आप ओईएम होते तो आप किसी को अप्रूवल कर देते क्या? ओके सर, वही पूछना था। तो जो ओईएम है उसके ऊपर है। आयुष सर, आयुष सर बोलिए। सर जो मार्केटप्लेस रहता है ओरिजिनल, क्या रहता है सर जो मार्केट प्लेस रहता है ना, जैसे ऊपर का 345 लोग ऑफर में दे रहे, तो वो चेंज भी होता है क्या? कौन सा ऑफर प्राइस, नहीं समझा मुझे। जैसे आपका ये A4 पेपर रहता है मार्केट प्लेस 345 दिया हुआ, ये तो एमआरपी है ना? हाँ एमआरपी हाँ, पर उसके लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपने परफेक्ट दिया तो वो चेंज करवा सकते हो एमआरपी। मैं आपको आगे बता दूंगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये कल के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सर? डाउट्स है क्या कुछ किसी को? हाँ तिवारी सर बोलिए ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि जो OEM प्रोडक्ट नहीं है, जैसे जो Q3 कैटेगरी का है जिसके लिए OEM का हमें वो नहीं लेना है, उसके लिए जी सॉरी आप कौन से कैटेगरी में बात कर रहे हैं? Q2 नहीं, Q3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। Q2 के लिए तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उसको भी साइड रखते हैं अपन। जानना ये चाहते हैं जैसे जो Q3 के प्रोडक्ट्स है, जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो Q3 के प्रोडक्ट्स ही आते हैं। बराबर है। हाँ ठीक, अगर उनका मैं कैटलॉग अपलोड करना चाहता हूँ तो जैसे कि कैसे करेंगे उसे? अभी जैसे बताया वैसा ही, आप नया के बारे में बात कर रहे हैं या पेयर बता रहे? नहीं पेयर बता रहा हूँ, जैसे कि किसी तीन प्रोडक्ट दिखाया ना करके। नहीं मुझे केवल इतना बताइए, जैसे कि हमने किसी कोई भी सर्च ऑप्शन में हम गए और मार्केट में गए, कोई सर्च ऑप्शन में गए, उससे हमने मान लेते हैं कि A4 पेपर ही डाल दिया या प्रिंटर ही कोई डाल दिया, प्रिंटर ही कोई डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, कोई भी चीज। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद सेलर्स आ जाते हैं, सब जितने भी सेलर्स होते हैं, तो उनके कैटलॉग को हम कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी करके अपन कॉपी नहीं करना है, उसपे उसको ओपन करना है और सेल दिस आइटम कर देना है और पेयर कर लेना है। सेल दिस आइटम एक बार अगेन करके बता दीजिए, सेल दिस आइटम में जाके कैसे पेयर करना है? देखो सर अभी ऑलरेडी हम लोगों ने इसको चार बार तो मैंने शायद मुझे लग रहा है बताया। नहीं अलग अलग लोग चीजें बता रहे थे। नहीं हमने अभी इसके यही वाला खाली पेयर, अभी कैटेगरी बदल रहा है पर चीजें तो सेम हो रही है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी चूज कर लिया, ये वाला बेचना है, इसके ऊपर ओपन करो और इसको सेल। कुछ रहा तो डाउट्स तुरंत क्लियर कर लिया करो, सेल दिस आइटम देखो ठीक, बस इसके बाद आगे का प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले बताया सेम। नहीं सेल दिस आइटम करने के बाद यदि रेट हम अपना डालना चाहते हैं, तो रेट हमने अपना ही डाला था ना सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने हर एक प्रोडक्ट का रेट अपना ही डाला है ना, मेरे कैटलॉग में देखेंगे तो मेरा ही रेट है, मुझे जो रेट में बेचना है हम वो रेट डालेंगे ना आगे जाके। यहाँ पे देखेंगे अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको
देखो मैंने अपना रेट, अभी सर ने बोला मुझे 250 में बेचना है जेके का, तो मैंने 250 डाला, ये मुझे 8,500 बताया था, तो इसका ये डाला, इसका 16 रुपया डाला था, जो मुझे रेट लगा वही रेट डाला मैंने अपना रेट। मतलब यहाँ पे ऑप्शन है रेट डालने का? हाँ 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 सब कुछ अवेलेबल है सर, ऑलरेडी यही बताया मैंने, मतलब आपने पहले थोड़ा देखा नहीं इसके वजह से, क्योंकि हम लोगों ने ये तीन प्रोडक्ट तो अभी पेयर किए, ये तीन के तीनों। आयुष सर बोलिए। कैटलॉग पे सुसर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। हाँ, सर इसका क्वेरीज नहीं हो जा सकता क्या? हाँ सर, आयुष सर क्या बोले? क्वेरीज नहीं हो जा सकता क्या? क्या नहीं, नहीं समझा नहीं। क्वेरीज नहीं हो जा सकता? हाँ जा सकते, जा सकते, नया टॉपिक सर नहीं लूंगा, कल के क्लास में लूंगा। ठीक है, थैंक यू। कैन यू ऐड नया प्रोडक्ट? यस मैडम, हम लोग नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, बट वो आज के क्लास में नहीं, कल के लेक्चर में हम लोग नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, नया क्लोन, ये कल के लेक्चर में सीखेंगे, एज ए ओएम भी, एज ए रीसेलर भी, और सर्विस का कैटलॉग बनाना कल के लेक्चर में देखेंगे, ये जो हमारा रहेगा ये कल के लेक्चर में कवर होगा। सर आज आज अपन ने कैटलॉग का मतलब कुछ नहीं सीखा, आपने प्रोडक्ट ऐड करना सीखा जब अपन लोगों ने, सिर्फ पेयर करना, और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, पेयर करना है। हाँ, डायरेक्ट सेल करना है तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, और मैक्सिमम लोग L1 के लिए बैठे हैं। हाँ, डायरेक्ट सेल करने के लिए सर। हाँ बराबर, आपका ऑर्डर आपको ही चाहिए कि नहीं? जी जी जी। हाँ तो आपको चाहिए तो ये सीख लो बराबर, ये नहीं सीखेंगे हाँ, नहीं तो फिर हमें कॉन्टेक्ट करने का, और 2% में लूंगा। जी सर, 2% नहीं देना है तो बराबर सीखो, खुद कर पाओगे। हाँ, और यदि नहीं सोच रहे हो कि नहीं मुझे देना है तो फिर ठीक है, आराम कैसे भी सीखते हैं। सर भगत टेक्नो में नहीं, जैसे कि अभी अनुराग सर, एक मिनट तिवारी सर, अनुराग सर बोलिए ना, अनुराग सर, अनुराग सर जी, सर कौन सी क्लास आएगी बोलिए ना, सर कौन सी क्लास आएगी कल? क्या जी बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। कल कौन सी क्लास है सर? कल प्रोडक्ट का और सर्विसेज का कैटलॉग, पेयर नया और पेयर तो हो गया, क्लोन न्यू और सर्विस का कैटलॉग बनाना, और फिर बाद में हम लोग रीसेलर पैनल जिसमें Q2 प्रोडक्ट आएगा और रीसेलर पैनल, और देखेंगे OEM पैनल कवर होता है तो OEM पैनल, ये कल के क्लास का। थैंक यू। हाँ मैडम बोलिए ना, क्या नाम था मैडम आपका? क्या मैडम का? सुषमा जयसवाल। एक मिनट, आपका सुषमा जयसवाल ऐड किया मैडम, और किसी का है बचा हुआ ऐड करने का? ठीक है, नहीं तो 10 से कांटेक्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे। चलो बोलो, और किसी को कोई डाउट्स है? हेलो, हाँ बोलिए ना सर। गर्व शर्मा को भी ऐड कर दो। गर्व शर्मा, ओके, एक बार सर मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। पहले मेरी तो फालती जेम की 100%, मैं नंबर अपडेट करा सर जो दूसरा वाला, तो मेरी उसमें 90% हो गई सर प्रोफाइल। हाँ देखो ना कहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा बस ये अपडेट ऐसे चेक असेसमेंट बता रहा था, दोबारा से कर देंगे जैसे पहले किया था तो 100 हो जाएगी सर पूरी। हाँ हो जाएगी ना सर। ओके ओके थैंक यू सर। कहाँ पे आ रहा है वो देखो ना। हाँ वो टैक्सी का देगा। क्या आ रहा है सर? गर्ग शर्मा सर, ये गर्ग साहब बोल के आ रहा है, ये है क्या आपका? नहीं नहीं ये नहीं है। क्या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था आपका? मोबाइल नंबर बताओ एक बार। 9898109109 नहीं, आपने भगत टेक्नो का ऐप डाउनलोड नहीं किया? पहले भगत टेक्नो का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रजिस्टर। आईओएस पे है? आईओएस पे है? हाँ तो मैंने बोला था क्लास प्लस करना है, क्लास प्लस। आकाश सर आपका भी नाम नहीं दिखा रहा है, क्या है? आकाश लेवकर नहीं दिखा रहा है, आपका भी नाम नहीं है। भगत टेक्नो का ऐप डाउनलोड करो नहीं तो नहीं आएगा यहाँ पे। क्लास प्लस करना है, कुछ डाउट्स रहा तो दत्तर सर से पूछ लो, बता देंगे। शर्मा सर कुछ पूछ रहे थे?
सर मुझे सर आपसे कॉल पर बात करनी थी 2 मिनट के लिए। हाँ कितने बजे फ्री रहेंगे आप? हाँ तो अभी क्लास लेक्चर खत्म हुआ तो फोन कर लो, उठाता हूँ सर। 12:30। हाँ अभी फोन लो, ये हो गया खत्म। चलो ठीक है फिर लीव करता हूँ। बाकी का कुछ रहा जैसे Hello. वीडियो का एक्सेस वगैरह नहीं मिला? हाँ बोलिए ना सर। सर ये iOS पे तो है नहीं आपकी ऐप? क्लास प्लस बोला सर मैंने। क्लास क्लास प्लस हाँ क्लास प्लस और कोड है RREDG, ये कोड रहेगा, कोड रहेगा RREDG। और ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ रहा तो दत्ता सर का नंबर है क्या आपके पास? कौन था शर्मा सर? हाँ जी हाँ जी दत्ता सर का नंबर है। हाँ जी हाँ तो दत्ता सर से कांटेक्ट कर लो, कोई भी डाउट रहा ना तो उनको पूछ लो, वो आपको बता देंगे ऐप के रिगार्डिंग। ठीक है दत्ता सर का सर एक बार नंबर प्रोवाइड करा दीजिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, अगर मुझे कुछ डाउट हो रहा है क्योंकि सुबह या रात में भी मैं देखता हूँ कैटलॉग को कैसे कहीं से क्या करते हैं, क्लोन वगैरह कैसे करते हैं, तो अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो मैं दत्ता सर से सुबह कांटेक्ट कर लूंगा। तो एक बार दत्ता सर का वीडियो का एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ है तिवारी सर, आप पुराने बैच में जाके वीडियो देख सकते हो। भगत टेक्नो का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ भगत टेक्नो का ऐप डाउनलोड करो और दत्ता सर से कांटेक्ट करो, वो आपको वीडियो का एक्सेस दे देंगे। ओके है ना, ओके ठीक है। ओके सर थैंक यू, लीव करता हूँ, कल सेम टाइमिंग पे हमारा क्लास चालू होगा। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए ना सर, ये क्लास प्लस का क्या कोड बताया आपने? RREDG RREDG डी जी यस ओके सर।